हर चौका, हर छक्का, हर विकेट होगी जीत का प्लस. ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस. देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम ना हमेशा से डेंजरस दिखती है, मगर बहुत अच्छा खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि ऐसे लग रहा था 100 में लुढ़क जाएंगे. मगर शर्फिन रदरफोर्ड ने जो इनिंग्स खेली है वो कमाल की इनिंग्स खेली है. टेल एंडर्स के साथ अच्छी बैटिंग, फिर जो अपनी गेम खेलते हैं उसी को बैक किया उन्होंने, जो कि चौको छक्कों के ऊपर बेस्ड होती है. और उन्हें की 50 की वजह से और एक पॉजिटिव इंटेंट की वजह से ये जो टोटल था ये 150 तक पहुंचाया उन्होंने वेस्ट इंडीज का. सो ये डिफरेंस था. और इससे सीखना क्या है, जब चिप्स डाउन होते हैं, जब प्रेशर आप पे होता है, तो ये नहीं है कि आप शेल में चले जाए, बल्कि प्रेशर आपने दूसरी टीम पे डालना है और अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के थ्रू डालना है. और बॉल को देखें, सिचुएशन को ना भांपे उस लिहाज से कि उसे डर जाए. आपने बॉल को देखना है, अपने आप को बैक करना है. और फिर अगर आपकी स्ट्रेंथ चौके छक्के हैं और शर्फिन रदरफोर्ड की स्ट्रेंथ है चौके छक्के, तो फिर आप मुकाबला जीत सकते हैं. बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की और ये क्लिंचर था. उसके बाद खैर बॉलिंग भी लाजवाब थी, इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट इंडीज का एक ट्रिमेंडस डे था. डाउन एंड आउट इन द फर्स्ट 15-16 ओवर्स, और लास्ट में जो ये फुलझड़ी जलाई शर्फिन रदरफोर्ड ने वो लाजवाब थी, और फिर बॉलिंग भी बहुत अच्छी की. जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच. देखिए, रदरफोर्ड से ज्यादा और कहीं निगाह जाती नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी पीएसएल खेले हैं, दुनिया में भी जाके लीग्स खेलते हैं. और अच्छी बात यह है कि अपनी गेम का इनको आइडिया है, और फिर ये कि किसी से खौफजदा नहीं होते हैं. स्पिनर को भी अटैक किया उन्होंने, तेज बॉलिंग भी बहुत अच्छी खेली, लंबी बैक लिफ्ट है, अट्रैक्टिव लेफ्ट हैंडर है, और क्योंकि बेस बड़ा स्ट्रांग है इनका, इसलिए छक्के मारते हैं. और पावर हिटिंग की अगर आपने एक अच्छी इनिंग्स देखनी है तो इनकी इनिंग्स देखें. फिर ये कि नेवर से डाई स्पिरिट से खेला इन्होंने. और देखिए, बड़ा स्टेज होता है ना, तो फिर आप काम भी बड़ा करना चाहते हैं. कई प्लेयर्स जो हैं वो टेम्परमेंटली स्ट्रांग नहीं होते, खौफजदा हो जाते हैं स्टेज देख के, और अच्छे भले टैलेंट होते हुए भी कलैप्स कर जाते हैं. मगर रदरफोर्ड शायद इतने बड़ा नाम ना हो इनका दुनिया में, मगर ये मैच जीतना बड़ा जरूरी था वेस्ट इंडीज के लिए. एक तो फ्रॉम नोवेयर 150 तक का रन पहुंचाया उन्होंने, स्कोर किया, और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज ने मैच भी जीता. सो दोनों शोबों में एक दूसरे की हेल्प की, बॉलर्स ने बैट्समैनों की और बैट्समैन ने बॉलर्स की, और खासतौर पर रदरफोर्ड ने कमाल की इनिंग्स खेली है. बहुत ही बड़ा प्लस है वो वेस्ट इंडीज के लिए. स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए. लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच. अल्जारी जोसेफ, देखिए जब ये शुरू में आए थे तो इनकी पेस भी कम थी, 130s में थे, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, पतले भी थे थोड़े से, यू नो फिल्ड अप नहीं हुई थी अभी बॉडी. फिर दो साल के अंदर अंदर, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने ये भांप लिया था कि इनमें टैलेंट है, उनको बैक करना है, क्योंकि उनको अच्छी खासी मार पड़ती थी, तो 150 क्लिक्स तक भी पहुंच गए, फिलअप भी बॉडी हो गई, और कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं. 4 विकेट लिए उन्होंने. न्यूजीलैंड की देखें, जैसे मैंने कहा ना, आसान टीम नहीं है, बहुत ही ज्यादा फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग में ये प्रोसेस ड्रिवन है, और इनके पास जैसे पोटेंशियल भी है, मगर जोसेफ ने एक नहीं चलने दी. 4 विकेट लिए उन्होंने 4 ओवर्स में, और बार बार विकेट्स लेने से क्या हुआ कि रिदम ही नहीं सेट हुआ इस रन चेस में न्यूजीलैंड का. और इसमें अल्जारी जोसेफ ने बहुत कलीदी एक सेंट्रल रोल प्ले किया. एक्शन अच्छा है, बाउंसर भी तेज करते हैं, लेंथ बॉल भी करते हैं, और क्योंकि 6 फुट 3-4 इंच के है तो इनको बाउंस भी मिलता है. और अनसर्टन पिचेस जैसे कि वेस्ट इंडीज में है, वहां पे ये आगे चल के और भी बहुत सारे बल्लेबाजों को तंग करेंगे. मगर अच्छा लगता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि इतना ज्यादा तेज पेस भी नहीं थी, यू नो टैलेंट भी एवरेज उस वक्त लग रहा था जब इन्होंने शुरू शुरू में आके बॉलिंग की वेस्ट इंडीज के लिए. और वेस्ट इंडीज में भी यही होता है कि टैलेंट को पूरा कई दफा मौका भी नहीं देते, और बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं, और कई दफा बहुत दफा गलत जज करते हैं कि ये ठीक होगा या नहीं होगा इंटरनेशनल लेवल के लिए. मगर अल्जारी जोसेफ के ऊपर बहुत अच्छी निगाह रखी, और अल्जारी जोसेफ ने इनको डिसअपॉइंट नहीं किया. ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, क्योंकि इनकी 4 विकेट से और शर्फिन रदरफोर्ड की बैटिंग की वजह से ही वेस्ट इंडीज जो है वो आगे पहुंच गई है. जीएस बैंक क्रेडिट कार्ड से करें अपनी खर्चों की प्रॉब्लम सॉल्व. हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क विद जीएस क्रेडिट कार्ड. देखें, शर्फिन रदरफोर्ड ने 50 किया, 6 छक्के लगाए हैं, इसको ही कहते हैं हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क. जैसे मैंने कहा कि
सिंगल्स भी उन्होंने रिफ्यूज की जब वो टेल के साथ खेल रहे थे, क्योंकि पता था कि ताकत ही इतनी है, एक तरह से लोए के बाजू है उनके, और इससे ज्यादा आई थिंक टाइमिंग और फिर स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मैंने कहा कि पावर हिटिंग कमाल करते हैं, हाई बैक लिफ्ट है, और पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक छक्का नहीं, दो नहीं, बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए वो, इसलिए कि इनको पता था इनके पास लिमिटेड ही बॉल्स बच गए हैं हिट मारने के लिए, क्योंकि लास्ट विकेट के साथ खेल रहे थे और कहां से कहां मुकाबले को खींच के ये ले गए, और लिटरली बहुत बड़े बड़े छक्के मारे और बहुत बेहतरीन बैटिंग की, हिटिंग इट आउट द पार्क, शर्फिन रदरफोर्ड। न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो प्रोसेस पे बिलीव करती है, वो उस पे टैलेंट भी है, मगर हर शॉट जो था वो फील्डर के हाथ में, कोई पार्टनरशिप नहीं, और एक तरह से जब विलियमसन स्पिनर से आउट हो जाए तो आपको पता चल ही जाता है कि कुछ काम ठीक नहीं चल रहा न्यूजीलैंड का। सो अब मुश्किलात हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सुपर एट्स में जा सकेंगे, दो मैच दोनों हार गए हैं, सो किसी और पे अब उनका भी काम डिपेंड कर रहा है उनको अगर थ्रू होना है, मगर वेस्ट इंडीज सुपर एट्स में थ्रू हो गए हैं और रिचली डिजर्व करते हैं, तो होम टीम है इनके, यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है और सारा क्राउड खुश था ट्रिनिडाड का, और आई एम श्योर कि ये आगे चल के भी बहुत सारी फेवरेट टीम्स को तंग करेंगे।